मैं छोड़ दिया हूँ ठीक है, और ये गिरेगा नहीं, इतना भरोसा है इस बेल्ट के ऊपर ठीक है। बाय बेटू। मैंने ये जो सेफ्टी बेल्ट है या सेफ्टी हार्नेस बेल्ट बोल सकते हैं चाइल्ड के लिए, इसको मैंने परचेस किया अमेजन से और ये ऑटोफाई कंपनी की तरफ से है। यहाँ सामने आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि इसका स्कूलिंग नेक्स्ट ईयर से चालू हो रहा है। स्कूल में पहुँचाना और ले आना या तो मैं करूँगा या तो मेरी बीवी करेगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मैं मोटरसाइकिल यूज़ करने वाला हूँ और मेरी वाइफ स्कूटर यूज़ करने वाली है और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चे का सेफ्टी के लिए इस टाइप का सेफ्टी हार्नेस बेल्ट बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बार आप देखें कि बच्चा बैक साइड में बैठा हुआ है और मम्मी पापा इतने चौड़े हैं कि ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो एक तो ग्रिप का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके ऊपर जब बच्चा थोड़ा डिजीनेस फील होता है, अगर आप सामने बैठाते हैं पीछे बैठाते हैं बहुत रिस्की हो जाता है ठीक है, क्योंकि पता नहीं कि कब वो ग्रिप छूट जाए और कुछ हादसा हो जाए। तो इस टाइप के लिए इस टाइप का हार्नेस बेल्ट बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे से ये ग्रिप होके रखा है, नीचे से सपोर्ट है सीट का और साइड से ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। अगर मैं इसको थोड़ा साइड में झुकाऊं ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा थोड़ा साइड में जाओ, ये देखिए मैं छोड़ दिया हूँ ठीक है, और ये गिरेगा नहीं, इतना भरोसा है इस बेल्ट के ऊपर ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये बेहतरीन से डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है और क्या है और कैसे आपको यूज़ करना चाहिए ठीक है। तो बैक साइड में यहाँ पर एक स्ट्रिप बेल्ट है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सेटअप करना पड़ता है। और आपका बेली में यहाँ पे स्ट्रिप रहता है और दो बकल रहता है ठीक है, अगर इन केस गलती से भी एक खुल भी जाता है तो दूसरा बकल से ये लॉक्ड रहेगा ठीक है। मैं एक बकल खोल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए अगर खुल भी गया तो दूसरा बकल से अभी भी लॉक है ये। बेटा शांत तो बैठने वाला नहीं है तो भाग गया वो, जैसे आप अभी देखे कि वो सामने तरफ बैठा हुआ था तो उसको आप पीछे तरफ से भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं ओके। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मैं बता दूं ये कैसा है नहीं है कैसे डिज़ाइन है। तो पहले तो इसको अमेजोन से मैंने परचेज़ किया, ये उसका डिटेल्स है और यहाँ पे इसका जो नाम लिखा है ऑटोफाई सेफो किड सेफ्टी बेल्ट फॉर टू व्हीलर ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ऑटोफाई का ब्रांडिंग मिल जाता है, लोगो मिलता है और यह ये वाला जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर टाइप है, रात को ये चमकता है जब इसके ऊपर लाइट गिरेगा। और ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये बहुत ही हाई ब्लेंड का बोल सकते हैं या हाई डेंसिटी का एक मेश दिया गया है जो कि ब्रीदेबल है, वॉशेबल है और अच्छे से ये स्वेट को भी सोख सकता है ठीक है। तो जब आपका बच्चा ये पहनेगा बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका जो बेल्ट का जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फोम दिया गया है, तो कंधे पर भी कोई प्रेशर ऐसा नहीं गिरने वाला है। अब अंदर मैं दिखाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये ब्रीदेबल और वॉशेबल है और साथ ही साथ अच्छे से स्वेट को भी सोख सकता है। तो मटेरियल देख के आप समझ सकते हैं यहाँ पे, कि मैं थोड़ा क्लोज लुक भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ओके। तो बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, जितना भी स्टिचेस हैं बहुत इंटैक्ट है। और ये जो बकल स्ट्रैप आप देख रहे हैं और बकल जो आप देख रहे हैं ठीक है, इसका लोड लेने का कैपेसिटी है 150 kg, तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करती है, बिल्कुल भी आपका बच्चा सेफ रहेगा इसमें। और एक चीज़ बता दूं ये टू व्हीलर के लिए, अगर आप सोच रहे कि इसको आप यूज़ करेंगे बेबी को कैरी करने के लिए जब वॉक अराउंड आप कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंधे पे सपोर्ट मिलता है दोनों तरफ, बेली के तरफ में एक सपोर्ट मिलता है और नीचे में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, नीचे में जो बाइक का या स्कूटर का जो नीचे सीट जो है वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है जहाँ पर आपका बेबी बैठ रहा है ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बेबी के हिसाब से इसका साइज़ आप ठीक कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे जितना भी हर जगह में आपको एडजस्ट करने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। और इसमें और एक चीज़ है कि ये 1 साल से 4 साल के लिए जो बेबी है उनके लिए है। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड को ये प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर। बहुत बार आप देखो।